हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। माइक मॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर एसएससी जीडी का दोस्तों क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। दोस्तों आपका यहाँ पर 15 फरवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे हमने उनका कलेक्शन लिया है, तो आप इनको देखेंगे दोस्तों और इनके आधार पर आपको पता लग पाएगा कि आपके किस तरह क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर जेएस के क्वेश्चन लिए हैं, बाद में हमने कुछ अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हैं। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में आर्द्रता मापने का यंत्र कौन होता है? ये दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर होता है, तो आपका हाइग्रोमीटर सही हो जाएगा। और दोस्तों आप मात्रकों को याद रख लेंगे क्योंकि मात्रक वाले क्वेश्चन आपके अवश्य ही आ रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों, तापमान का मात्रक क्या है? दोस्तों ऐसा ही पद्धति में तापमान का मात्रक दोस्तों केल्विन होता है, तो आपका केल्विन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में दूरी का मात्रक कौन सा है? दोस्तों आपको जो दिया था उनमें से दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष था यहाँ पर, तो दूरी का मात्रक यहाँ पर प्रकाश वर्ष हो जाएगा दोस्तों, जो आपका लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ का एक बहुलक है दोस्तों क्या है, ये आपको बताना था। उनमें दोस्तों ये आपका यहाँ पर नेथलीन था, नेथलीन एक बहुलक है। बहुलक मतलब दोस्तों रबर को बार बार यहाँ पर जोड़ के बना जाता है दोस्तों, ये आपका एक पॉलीमर होता है, तो पॉलीमर यहाँ पर आपका नेथलीन हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए अनुकूल होती है? दोस्तों ये आपको पता होगा, ये आपका कपास हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिंदी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं। विलोम शब्द आपको लिखने थे, मोक्ष का आपको लिखना था दोस्तों। मोक्ष मतलब दोस्तों आपका मुक्ति होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? बंदिश हो जाएगा दोस्तों, या फिर बंधन। और अव्यय का दोस्तों, अव्यय मतलब दोस्तों जो व्यय न हो, और इसका यहाँ पर विलोम हो जाएगा व्यय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्यायवाची वाले शब्द आए थे आपके, कमल का आया था और समीर का। दोस्तों कमल का जलज, पंकज, सरोज यहाँ पर हो जाएंगे जो भी आपका आया होगा, और समीर, समीर मतलब दोस्तों आपकी वायु होती है, हवा कहें या फिर आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना था आपको, एक वाक्य आपको दिया है उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। देखिए पहला आपका यहाँ पर है दूर अर्थात भविष्य की देखने वाला, दोस्तों ये आपका दोस्तों दूरदर्शी हो जाएगा, दूरदर्शी। अगला देखिए दोस्तों, कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को दोस्तों मितभाषी बोलते हैं, मितभाषी। अगला यहाँ पर है दोस्तों आपका साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाले को दोस्तों सहपाठी बोलते हैं, सहपाठी आपका साथ पढ़ने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये आपका दोस्तों बहुत बार आ चुका है, ये आप तैयार कर लेंगे। ये आपका दोस्तों 2525 आपकी हो जाएगी केएम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल तथा वायु में फैलने वाली बीमारियां क्या कहलाती है? दोस्तों ये आपकी संक्रामक कहलाती है दोस्तों। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये आपका दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी दोस्तों यहां पर देखिए, निकट दृष्टि की जगह पर आपका मायोपिया भी आएगा, तो मायोपिया कहें या फिर आप निकट कहें, एक ही बात है दोस्तों। और देखिए दूरदृष्टि में क्या आएगा? उत्तल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आपका दोस्तों पीलिया नामक अंग प्रभावित होता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, रीजनिंग के आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए दोस्तों, 9, 10, 18 और यहां पर 45। यहां पर आपका क्या आएगा पूछा गया था दोस्तों, देखिए पहले आपका 1 बढ़ा, यहां पर दोस्तों आपका 8 बढ़ा, यहां पर आपका 27 बढ़ गया दोस्तों, और यहां पर क्या आएगा आपको बताना है। अब इनमें देखेंगे दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक यदि देखें तो ये हरेक दोस्तों क्यूबिक नंबर है। देखिए ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का हो गया, तो यहां पर 4 का क्यूब दोस्तों ऐड हो जाएगा, अर्थात 64 यहां पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा, तो 109 यहां पर आपका आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 2, 5 फिर आपका 11 आ गया, फिर 23 आ गया। देखिए कितने का गैपिंग है, पहले 3 का गैपिंग है दोस्तों, बाद में आपका यहां पर 6 का आ गया, और यहां पर कितने का आ गया दोस्तों आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए दोगुना करके एक जोड़ दिया गया। यहां पर देखिए 2 × 4 = 5, 5 × 10 = 11 और यहां पर भी दोस्तों दोगुना करके जोड़ दिया एक, ये दोस्तों आपका 95 यहां पर हो जाएगा, तो 95 यहां पर आपका 95 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका संबंध बताने वाला आया था, अध्यापक का संबंध दोस्तों पुस्तक से है, तो वैसे आपको बताना है कि वृत्त यहां पर किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आपको इधर भरना है, तो यहां पर आपका क्या जाएगा? चाप आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखिए पुस्तक का एक अंश यहां पर अध्याय अंदर होता है बीच में, तो वैसे ही दोस्तों एक वृत्त आप जब खींचते हैं तो पहले आपको चापों को बनाना पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका यहां पर इस तरह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख खींचना था दोस्तों आपको, एक वेन डायग्राम यहां पर बनाना था महिला पुरुष और मनुष्य में। दोस्तों यहां पर देखिए महिला अलग है, पुरुष अलग है, और यहां पर दोस्तों दोनों ही मनुष्य के अंदर आते हैं, तो ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 13 के बाद 17, फिर दोस्तों आपका 21, फिर आपका 25 और यहां पर आपको बताना क्या आएगा। दोस्तों देखिए प्रत्येक के बीच की गैपिंग यहां पर 4-4 दिख रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो यहां पर भी आपका 4 होगा, तो 29 यहां पर आपका हो जाएगा, 29। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आपका आया था कोडिंग डिकोडिंग वाला, आपको PRICE भरना था, पी के बाद दोस्तों देखिए एस आया है, कितने की गैपिंग आप देख लेंगे, PQR दोस्तों यहां पर 2 की गैपिंग है, तो आपका S आ गया। अगला वैसे देखिए, R के बाद दोस्तों V आया, R S T U
वी। दोस्तों आप तीनों का गैपिंग कर दी, देखिए पहले बार में दो की गैपिंग, फिर तीन की गैपिंग, और वैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चार की गैपिंग, तो इस तरह आपका यहाँ पर दिया है। तो यहाँ भी आप वही करेंगे दोस्तों, पहले आप दो की गैपिंग करेंगे, सी के बाद क्या आएगा, सी डी ई दोनों की गैपिंग कर दी तो आपका एफ आ जाएगा। होगा दोस्तों यहाँ पर तीन की गैपिंग करने पर एस आएगा, और यहाँ पर चार की गैपिंग करने पर दोस्तों एस के बाद एक्स आएगा, और यहाँ पर आपका जेड आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर एफ एस एक्स जेड यहाँ पर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीन के बाद 15, फिर आपका 32, फिर आपका 59 यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, भरना है आपको दोस्तों। देखिए ये आपका बहुत ही आसान यहाँ पर है, पहले आपका यहाँ पर 12 बढ़ा दोस्तों, फिर दोस्तों आपका 17 बढ़ा, फिर अगला दोस्तों, फिर आगे दोस्तों आपका 27 बढ़ गया। अब यहाँ पर आपको बताना कितना बढ़ेगा दोस्तों। देखिए पहले प्रत्येक में गैपिंग देखेंगे, यहाँ पर 5 की गैपिंग है, यहाँ पर 10 की गैपिंग है, तो यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों, 5, 10, 15 की यहाँ पर गैपिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 15 आप यहाँ ऐड कर देंगे तो ये दोस्तों आपका 42 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए, 42 बढ़ना चाहिए, तो आप 59 में 42 ऐड कर देंगे दोस्तों, ये आपका यहाँ पर 101 देगा, तो आपका 101 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैथमेटिक का यहाँ पर है, धनराशि 1400 रुपए को आपको दोस्तों ए और बी में बांटना है 15:13 के अनुपात में, तो आपको बताना कि बी का हिस्सा कितना होगा। देखिए दोस्तों जब भी आपको हिस्से वाला बताना होगा क्या करेंगे आप, पहले आप कुल राशि यहाँ पर लिखेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, नीचे आप कुल अनुपात लिखेंगे, कुल अनुपात दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर 28 आएगा, और ऊपर आप उनको लेंगे दोस्तों जिनका अंश निकालना होगा। आपको बी वाले को निकालना है तो आपने बी वाले को ले लिया, 13 यहाँ पर आपने ले लिया, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर सॉल्व करने पर इजीली आपका निकल के आ जाएगा 650 रुपये। तो दोस्तों आपका 650 यहाँ पर बी का हो गया, और ए का निकालना है तो आप घटा देंगे तो आपका ए का भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुपात वाला है, आपको दिया है एक्स अनुपात वाई बराबर 5:4, तो आपको बताना दोस्तों 1/x अनुपात 1/y बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए जब आपको अनुपातों को उल्टा कर देना होता है तो आपके वाई अनुपात एक्स आप कर देंगे, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4:5। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो बार आपका यहाँ पर अनुपात समानुपात वाला था या फिर आपका यहाँ रीजनिंग का था, ये दोस्तों आपका 22 के लिए इतना आया है तो यहाँ पर आपको भरना क्या आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर x मान लेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 2/42/22×18, और ये आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिलेगा 198 यहाँ पर मिल जाएगा, तो 198 दोस्तों आपका निकल के आ गया, ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के भी लिए हैं, इनको आप देख लेंगे। मंदिर निर्माण की कला कहाँ से प्रारंभ हुई दोस्तों, ये दोस्तों आपके यहाँ पर गुप्त काल से प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपका कृष्णा नदी पर है तो ये आपका कृष्णा हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये आपका 1526 में हुआ था दोस्तों, और किनके बीच में हुआ था यदि आपका आ गया, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन किसने करवाया था, ये आपका दोस्तों कर्जन ने करवाया था। अगला देखिए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, ये आपके यहाँ पर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति के यहाँ पर जनक माना जाता है, और श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपके दुग्ध उत्पादन को दोस्तों बढ़ाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, दो राज्यों के बीच का मामला कौन देखता है दोस्तों, ये आपका सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मिल्कमैन बुक के लेखक कौन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर एना वंश हो जाएगा, एना वंश आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन में कौन सी सूची जोड़ी गई दोस्तों, ये आपकी 11वीं सूची यहाँ पर जोड़ी गई दोस्तों, आपका 11वीं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स के रचयिता कौन है, अर्थात लेखक कौन है दोस्तों, ये आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एकल टेनिस 2019 की विजेता कौन है दोस्तों, ये आपकी अंकिता हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका सासाराम में है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने चलाई थी, ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके पूछे गए थे दोस्तों, इससे आपको पता लग पा रहा होगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी किस तरह की है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में नए क्वेश्चन के साथ। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।